नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं लेमन राइस, और लेमन राइस के लिए सारा सामान मैंने ले लिया है। इसमें चावल लिए हैं, ये हमने बॉईल किए हुए हैं। शुरू करते हैं बनाना लेमन राइस। कढ़ाई में तेल डाल लिया है, तेल के साथ ही मैं ये डाल रही हूँ, या सरसों जो भी आप कहते हैं इसको। मैं थोड़ी सी चने की दाल डाल रही हूँ, क्योंकि साउथ साउथ इंडियन डिश जो भी बनाते हो ना, उसमें ये चने की और उड़द की धुली, ये दो दालें जरूर जाती हैं। तो ये आधी आधी चम्मच या एक एक चम्मच आप अपने राइस के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। इसको चला देते हैं 2 मिनट। इसके साथ ही फ्ली डाल देते हैं पीनट्स, थोड़ा सा करी पत्ता। इसके साथ ही मैं एक लाल मिर्च डाल रही हूँ, इसको मैंने तोड़ा हुआ है। ये हरी मिर्ची, मिर्ची आप कम भी कर सकते हो। और उसके साथ ही थोड़े से काजू। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि लेमन राइस है तो हमें इसमें येलो कलर चाहिएगा। नमक चावल के हिसाब से इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें हम ना लेमन जूस डाल देते हैं, ये नींबू का रस मैंने निकाला हुआ है, ये डाल देते हैं। लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस से क्या होगा कि मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम ये राइस मिक्स कर देते हैं। ये हमारे राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, चावल बिल्कुल तैयार हैं, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। उनको मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने देखिए राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और हमने इनको निकाल लिया है। और ये देखिए राइस कितने सुंदर भी लग रहे हैं, और वैसे ही ये टेस्टी भी बहुत है। तो आप ऐसे ही करके ना, अगर आपके पास राइस बचे हो तो आप लेमन राइस उससे बना सकते हो, नहीं तो आप ताज़ा राइस उबाल कर फिर उसके साथ बना सकते हो। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, और बहुत आसानी से घर में आप बना सकते हो, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी हो गए हैं। तो अगर फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यादव किचन को। थैंक यू।